गाइस अगर हमें नीचे जाना होगा ना नॉर्मली तो जैसे ये दबा दिया, अभी हमें बेसमेंट में जाना है तो इसमें ये वाली चाबी लगानी पड़ती है, तो लिफ्ट सीधे हल्का सा प्रेस करना पड़ता है, तो अभी लिफ्ट सीधी बेसमेंट में जाएगी। सीधे बेसमेंट लिख के एक बटन और लगा देते, हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड करनी होती है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पता कहाँ जा रहे हैं, दिख रहा है ये दिख रहा है। सो गाइस हम जा रहे हैं कपड़े धोने, जीवन में यही रह गया था, आज हमारी धोबी वाली जॉब है। और मैं कैसा लग रहा हूँ पता नहीं। चल सो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे लॉन्ड्री का क्या सिस्टम है, क्योंकि जो हमारा पुराना वाला अपार्टमेंट था उसमें क्या था कि हमारे ना अपार्टमेंट पे वॉशिंग मशीन थी, तो हम जब चाहे जब अपने कपड़े क्लीन कर सकते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना मतलब जो पूरी सोसाइटी के लिए, मतलब जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है जैसे हमारे पास नहीं, बाकी मोस्टली सब ने अपने अपार्टमेंट्स में लगा रखी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐप डाउनलोड करके और पहले से हमें ना अपना स्लॉट बुक करके रखना होता है कि लाइक 4 घंटे का स्लॉट मिलता है, ठीक है। हम वीकेंड का भी कर सकते थे, सैटरडे संडे, पर बाल का मैच था तो हमने इसलिए मंडे का किया 12 से 4 का। और ये हमारी सोसाइटी के बेसमेंट में है, तो दो होते हैं ऐसे वाले ये रूम, एक ये रूम 2 है और रूम 1 है, जो हमने 12 से 4 की जो टाइमिंग हमने बुक की हुई है उस पे किसी दूसरे बंदे को एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ हमें ही होगा, ठीक। सो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये कैसे ओपन होता है। अभी बंद है, ठीक है, कोई भी हम भी बिना की को यूज़ किए बिना अगर हम ओपन करेंगे तो नहीं होगा, किसी दूसरे बंदे को एक्सेस नहीं है, तो हम क्यों नहीं एक्सेस, क्योंकि वो हमारा टाइम है, हमारा स्लॉट बुक है। तो हमारा जैसे 12 से 4 बजे का स्लॉट है, क्योंकि हमारा स्लॉट ऑलरेडी बुक है, तो अभी किसी और का एक्सेस नहीं है, तो हम सॉरी ये मैंने गलती से लगा दिया था, ठीक है। सो हमने अपनी यहाँ पे की लगा ली है, ठीक है। ये इसमें फिर ऑप्शंस आ जाते हैं, ये सबसे जो ऊपर वाला ऑप्शन है कि हमें नेक्स्ट बुकिंग करनी है, कि हम नेक्स्ट टाइम अपना स्लॉट कब बुक कर रहे हैं उसके लिए है। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो है कि हमने अब हम अपनी बुकिंग का टाइमिंग देखना है, कुछ भी डिटेल्स देखना है उसके लिए। और थर्ड वन जो है ये है कि अभी हमें ये ओपन करना है, तो हम यहाँ से जाएंगे, इस पे जाएंगे और इस पे कर देंगे। सो अभी हमारी ओपन हो गया, सो गाइस आओ। वैसे ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसे लॉन्ड्री रूम यूज़ कर रहे हैं, बट आई ट्राई कि मैं आपको सारी कुछ डिटेल्स बताऊँ, ठीक है। फिर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें 2 वॉशिंग मशीन मिलेंगी, एक वॉशिंग मशीन, 2 वॉशिंग मशीन प्लस ये है ड्रायर, ठीक है, वो भी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो हमारा जो ये वॉशिंग मशीन अभी हमने इसमें डाल दिए, यहाँ से जो नॉर्मल अपने इंडिया में जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं मतलब ऑटोमेटिक वाली होती हैं, उसमें भी वही सिस्टम होता है। यहाँ से हम इसको खोलेंगे, अपना लिक्विड डालेंगे या सर्फ डालना, जो भी डालना है वो डाल के देन फिर यहाँ से हम अपना टाइमर वाइमर सब सेट करके इसको ऑन कर देंगे। सेम ही प्रोसेस इस वाली मशीन का है, हम दोनों मशीन में अपने कपड़े डाल चुके हैं। फिर आते हैं हम यहाँ ड्रायर के लिए, ये अपने इंडिया में तो जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होते हैं उनके लिए जो ड्रायर होते हैं वो मशीन के अंदर ही होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम खोलेंगे, ये है ड्रायर यहाँ का इस वाली वॉशिंग मशीन का, यहाँ पे भी इसमें वही सेम अपना टाइमर वगैरह सब सेट करके और इसको अंदर हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। बट ये है जैसे, ठीक है, कपड़ों में जो थोड़े रुए हुए होते हैं तो वो सारे ना इस यहाँ से खींच के इस पे आ जाता है, तो हम इस पे से करके निकल जाता है, बहुत जान लगानी पड़ती है। तो इसके अंदर से हम देखो फिल्टर है, जैसे किसी ने किया होगा तो उनके लिए सब इसमें है, तो हमें मतलब जब जाना है तो इस पर से क्लीन करके जाना है। गाइस इसलिए मैं डिटेल वाली वीडियोस नहीं बनाती, मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके ये हो गया। तो गाइस अभी मैं आपको ये बता दूँ, मतलब नॉर्मली जो हम कपड़े हमारे इसमें ड्रायर में हो जाएंगे, बट जैसे हमारे पास कोई मोटी चादर है, ब्लैंकेट है, कुछ ऐसा हम धो रहे हैं तो उसके लिए ये दिया हुआ है यहाँ पे लगाने का, ठीक है, और ऊपर से टेम्परेचर सेट करने का और इसको बंद कर देने का, ठीक है। तो मतलब क्योंकि होता है ना कि मोटा मोटी ब्लैंकेट वगैरह को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे इजीली सूख सकता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 2 ट्रॉली भी दी गई है, हम अपने कपड़े चाहें तो इस पर रख के और हम अपना ले जा सकते हैं लिफ्ट से ऊपर, और नहीं ले जाना चाहते तो जैसे हम अपना IKEA वाला बैग लेके आए हम उसी के साथ ले जा सकते हैं। और ये भी दिया है कि आपको यहीं अपने कपड़े फोल्ड करने हैं या फिर कपड़ों का थोड़े ऐसे खुले में रखना है तो वो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये सब क्लीनिंग का सामान दिया हुआ है,
बिकॉज हमें जब भी अपना ये वॉशिंग एरिया हम छोड़ के जाएंगे तो हमें पूरा क्लीन करके जाना है इसको। और यहाँ पे भी ये सब दिया हुआ था, कोई दिया हुआ क्लीन करने के लिए, ठीक है। और गाइस हमारा 4 घंटे का स्लॉट है, अभी हमने डाल दिया, हम अपने कपड़े डालने के बाद जा सकते हैं। 1 घंटे बाद वापस आके, क्योंकि 1 घंटे में हमारा जो वॉशिंग वाला टाइम है पूरा हो जाएगा, फिर हम उसको ड्रायर में डाल देंगे कपड़ों को, ठीक है। और फिर ड्रायर का जो 1 घंटे का जैसा टाइम होता है, तो वापस 1 घंटे बाद आके हम निकाल के ले जा सकते हैं। तो अभी हमारा चलेंगे क्या जाना अभी। सो गाइस मैं अपना ये ले लेता हूँ, मजदूरी करके जा रहा हूँ। सो गाइस मतलब ऐसा ज़्यादा बड़े मुझे तो कोई लगी नहीं कि अगर हमारे अपार्टमेंट में वॉशिंग मशीन, बस एक ही फ़र्क है कि अगर हमारे घर के अंदर है तो हम जब चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पहले स्लॉट बुक कराना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा, बट अच्छी बात ये है कि यहाँ वाले का कोई ना बिजली का बिल नहीं आएगा और ये तेरे को सुधारने में भी काम आएगा। सो गाइस अभी हम चलते हैं, हम आएंगे 1 घंटे बाद अपने कपड़े को ड्रायर में डालने के लिए, और जिसमें मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा क्योंकि हम अभी सुबह उठते ही पहले यहाँ पे आ गए, हमारे घर का पूरा काम बाकी है, हम अपना काम करते हैं। चलो भाग, चाबी लेके जा मेरे को। मैं जाऊंगा कैसा, चाबी तुझे दे जाऊंगा तो डोर तो बंद करके जा। तो डोर तो ऐसे ही बंद हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं पढ़ना लिखना जरूरी है जीवन में, एजुकेशन बहुत जरूरी है और नॉलेज बहुत जरूरी है जो तेरे पास नहीं। समझ गया ना तू आज। सो गाइस मैं आप लोगों को इसका भी एक क्विक सा टूर दे देता हूँ, ये पता नहीं कोई फालतू की मशीन है जिनका मुझे यूज पता नहीं है, ठीक है। पावर सोर्स होगा ना, जनरेटर वगैरह कुछ होगा, इन्वर्टर वगैरह। और गाइस आपने मंजुलिका की हवेली देखी नहीं? देखी ऐसे ऐसे मंजुलिका की हवेली नहीं, खंडर। सो गाइस ये दो के स्टोर रूम्स हैं, ठीक है। लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, स्टोर में देखो कितना भर भर के सामान रखा है। इनके पास तो मैट भी है भाई साहब, ये तो आई क्या इतने महंगे मैट वो है। ओ इनके इनके घर में तो बच्चे बच्चे रहे। अभी आप लोगों के गाइस अभी आप लोगों के स्टोर देख लो, मैं अपना भी दिखाऊंगा हमने कितना सामान रखा है। सो गाइस ये हमारा स्टोर है जिसमें हमारे सिर्फ बैग्स रखे हैं और हमारे टीवी का डब्बा रखा है। हमारे पास वो लोगों की तरह बहुत पैसा बहुत सामान नहीं है, हम गरीब लोग हैं बहुत। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरी जिंदगी बदल सकता है, मांगने का नया तरीका। ओह बहुत जान चाहिए। अबे यार मैं कैसे उठ के आ गया यार, मैं पूरी वीडियो में बिना मेकअप बटन दबाया नहीं यार, वैसे ही पूरी वीडियो में मैं ऐसे दिखूंगा गधा सा। जैसा है वैसे दिखेगा, मतलब वैसे तो मैं अच्छा दिखता हूँ पर आज मैं मेकअप नहीं करके आया ना, मुंह नहीं धो। कपड़े धोने के लिए फोन करता है मेकअप, पर मुझे ये आइडिया नहीं था ना कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा, मेरा ऐसे मन में आ गई, मुझे बोला ओहो कंटेंट ये कैसे छोड़ सकता मुझे। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो हमारी तरह लोग बाहर आ रहे हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ये मतलब ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो जो स्टूडेंट वीज़ा पे भी लोग जाते हैं जिनके घर में अपार्टमेंट में वॉशिंग मशीन नहीं है, उनको ये हेल्पफुल हो सकता है। और मैं अपनी मम्मी को इस वीडियो के द्वारा बताना चाहती हूँ कि मम्मी मैं घर के काम करती हूँ, बस ऐसा आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं करती। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।